जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी अपडेट है भाई, बहुत ही जानदार खबर है भाई, शानदार खबर है भाई। आप ये मान सको भाई, बहुत दिन बाद जो है खुशखबरी देखने मिलेगी। आपने खुशखबरी को नहीं, एक न्यूज है और भाई कोई नहीं बता पाओगा आपने, कोई कोर्ट की न्यूज को नहीं, कोई भर्ती गैंग वाले की न्यूज को नहीं, न किसी प्रकार का कोई तुक्का को नहीं, ना ही कोई गुप्त सूत्र भाई। यह चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक है। सिद्धि विधानसभा तक खबर ले आया हूं भाई, बिल्कुल क्लियर कट में जवाब दूंगा तरत है। एक एक भर्ती होने वाली है भाई, बिल्कुल भाई। आज की मीटिंग की सुन लो भाई, के सीएम साहब सब मंत्री संतरी सब जगह थे जो है यह न्यूज आई है भाई। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। ग्रुप डी का भी रिजल्ट जल्दी आओगा, 56-57 का कैंसिल होगा या रिजल्ट आओगा, यह बात भी मैं आपको बताऊंगा। ऑथेंटिक तरीका था बिल्कुल। हरियाणा पुलिस की भी भर्ती भाई, ज्यादा टाइम नहीं, बहुत टाइम लग लिया, 4 साल खराब हो गए, 5 साल खराब हो गए, बहुत जल्द जो है सारी चीज जो है आपका सामना होगी भाई। ग्रुप सी और डी देखिएगा भाई, पहले तो सबसे पहला तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिन्हें नहीं कराया लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो ज्यादा ज्यादा, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं मिलेगी। देखो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है चीज, थोड़ा दिखा दूं आप तक झलक। या देखो भाई, मैंने शेयर कर रखी है कि मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा की आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि उसके बाद अपन कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी घोषणा नहीं कर सकते, कोई भी भर्ती नहीं कर सकते। यानी कि सीधी क्लियर क्लियर बात यह है कि फरवरी यानी कि 28 फरवरी तक पहला जो है हर भर्ती जो है क्लियर हो जाएंगी। इफ हम लोग कहोगे जी ऐसा तो नहीं हो सकता, ये अभी नहीं करेंगे, ये जो है विधानसभा में करेंगे। दूसरी ब्रेकिंग सुनो भाई, दूसरी ब्रेकिंग यह है, आज जो है सीएम साहब गए हुए थे, मोदी से मिले, सब तक मिले, और हमने बेरा होगा 3 स्टेटा में ये जीतते हैं तो बहुत खुशी ही है कि हम 3 स्टेटा में जीत गए। और यह अनुकिक रह गया और हरियाणा ने भी विजय ले लिया और इनने के कराया हाईकमान और जो मनोहर लाल खट्टर जो है उन्होंने एक बात कही है कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव जो है एक साथ तैयार है, हम तैयारी कर लिए भाई इनने। और भाई ये किसे तो बात कर लियो भाई, राजनीति कोई बढ़िया थार पर मंत्री वंत्री होने उस तो बात कर लियो चाहिए, बिल्कुल 1% भी मतलब गलत न्यूज को नहीं कहते, सही न्यूज है भाई। कहने का मतलब यो है, इस खबर का भर्तियात के मतलब है मैं बात कहना चाहूंगा। अब भाई हरियाणा में तो सरकार जब दे आओगी, जब ये भर्ती क्लियर हो जाएंगी तो सरकार हर हाल में ग्रुप सी और डी की भर्ती ने जो है वो क्लियर करेगी। अब देखो थोड़ा ऑफिशियल भी दिखा दूं, तो हम लोग कहोगे जी लोकसभा के चुनाव जो मार्च में किस तरह, देख लो भाई या पीडीएफ खोल लो, और इसमें देख रहा होगा लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए जो है ईवीएम की जो ट्रेनिंग होनी है ना, ट्रेनिंग कब है भाई देख लो भाई, यारी ट्रेनिंग मतलब दिसंबर में, 11 दिसंबर तक जो है ट्रेनिंग है, यानी कि दिसंबर महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि मार्च में जो है आपके इलेक्शन, मार्च मई में जो है लोकसभा के इलेक्शन, और लोकसभा के साथ विधानसभा के इलेक्शन भी हो सकते हैं। और एक बात याद रखना, अब सरकार तुरंत मोड में आ गई है, जैसे ही वो मीटिंग में आए थे मंत्री हमारे सीएम साहब, जैसे ही आए थे वैसे ही उन्होंने तुरंत मीटिंग ली एचएसएससी के अधिकारिया की और बहुत से अधिकारिया की, कि जो जो कमी मार पर रह रही है, जो जो हमने 6 महीने की सोची थी उन्हें 3 महीना पर ले आओ, काम ना फास्ट कर दो, सभी चीजें हमें भर्ती भर्ती खातर कौन कर रहा, हर चीज खातर मुख्यमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि भाई हो सके है लोकसभा का चुनाव, लोक विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ हो जा। इसलिए अब अपना पास 6 महीने का जो टाइम था ना वो कोनी, इब हमारे पास कितना टाइम रह गया, 3-4 महीने का टाइम रह गया। पहला हमारा इलेक्शन अलग था, अब हो सके है हाईकमांड सोचने लग रहा है, चुनाव आयोग तो डिस्कस करेगा कि बेरा अपना सत्य हो गया, इसलिए हम अपनी प्रक्रिया ने तेज कर दो। और सबसे पहला यह बात क्लियर हुई भाई बिल्कुल, कि सबसे पहला इन भर्तिया का एजेंडा ने ठीक करो भाई, इन बिना हम सरकार नहीं बना पाऊंगे। तो भाई इतनी बड़ी अपडेट, अब आ जाओ भाई क्या होगा आगे, क्या होगा जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। देखो भाई ग्रुप डी का रिजल्ट बहुत जल्द आपने देखने मिलेगा, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द, मैं नहीं कहूंगा कल ले आ जाएगा आज ही आ जाएगा, देखो भाई वो इनकी मर्जी है, लेकिन दिसंबर में यह भर्ती क्लियर हो जाएगी। हरियाणा पुलिस की जो एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है सीटी के तहत, जल्दी आ जाएगी भाई। अब कहोगे जी कोर्ट केस, कोर्ट केस तो ये मतलब सरकार का हाथ में है भाई ये सारी चीज, 19 तारीख ने तुम देखियो एक बार झटका देखियो, तुम ये सारी चीज क्लियर करवा लेंगे, क्योंकि ई बिन का फंस गई, ई बिन ने भर्ती कंप्लीट करनी पड़ेगी, अगर अगली डेट मिल जाए ना तो ये लोकसभा के इलेक्शन तक पहला भर्ती क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके पास दिसंबर जनवरी और फरवरी यानी कि 3 महीने का समय ही बचा है, मान के चलो 80 दिन बचे हैं भाई, कितने दिन बचे हैं 80 दिन, तो
हम यह बात तो कह ना सकते 80 दिन में किए कर सके हैं, हमने देखा होगा 3 दिन में कर सका भाई ये, रात तो रात भी पेपर ले सके हैं, तो यह बात भी भूल जाओ ये कर नहीं सकते। तो हरियाणा पुलिस की भी भर्ती, ग्रुप सी की भी भर्ती, डी का पेपर हो लिया, इसका रिजल्ट भाई, ये सारी चीज तुरंत तुरतापूर्ति तो होंगी भाई, तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। इब 56-57 पा जाओ एक मिनट खातर, सी ग्रुप वाले आ जाओ, डी ग्रुप वाले साइड हो लो, साइड क्यों हो लो, क्योंकि थारा रिजल्ट कदे भी आ सके हैं, जिसके भी 72-70-72 नंबर बना वो सेफ जोन में, टेंशन ना लियो। इब आ जाओ ग्रुप 56-57 का, सर यो कैंसिल होगा कि कोर्ट ने मना कर दिया, तो चाहे कोर्ट मना करो चीफ कोर्ट क्लियर करो, सरकार ने दोनों प्लान बना लिए हैं, सरकार ने एक यो भी प्लान बना लिया है, अगर कोर्ट यह बात कह दे कि रिजल्ट क्वाश्ड करो दोबारा पेपर लो, तो ये दोबारा भी पेपर लेकर है सारी भर्ती फरवरी फरवरी में कर देंगे भाई। फिर सुन लो 56-57 अगर कैंसिल करने का ऑर्डर कोर्ट दे दी है तो, हालांकि दे को नहीं फिर भी दे दी है तो, हालांकि सरकार चाहोगी कि कैंसिल नहीं हो इसका रिजल्ट जारी हो, ठीक है। अगर 19 तारीख ने के फैसला हो है, सुन लो भाई 19 तारीख ने कोर्ट यो फैसला दे है कि तुम आगे रिजल्ट निकाल सको, हमने पीपीपी तक वेरिफिकेशन कर दी, ठीक है इब आगे प्रोसीड करो भर्ती ने, तो ये ग्रुप 56-57 का जो रिजल्ट है वो जल्द ही यानी कि दिसंबर में ही निकाल देंगे, और जितने भी बचे हुए जितने भी एग्जाम है, जितने भी ग्रुप बच गए 62 मत है, दो ही तो ग्रुप हुए हैं, 60 ग्रुप जितने भी बच रहे हैं उन सभी का एग्जाम जल्द 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 ले लेंगे, हरियाणा पुलिस की भर्ती जल्द जल्द कंप्लीट कर देंगे, और भाई 28 फरवरी तक पहला सारी भर्ती कंप्लीट, बहुत बड़ी न्यूज़ है भैया। हालांकि उनको गया तो कोई गुप्त सूत्र को नहीं, गुप्त सूत्र को नहीं भाई साहब, सरकार नाना है ईसा तो नहीं कर सकती ना भाई, सरकार की बिना भर्ती आ जाएगी, तो ये भर्ती मार्च तक पहला 100% होगी भाई, बहुत बड़ी अपडेट है भाई, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने। जय हिंद साथियों, जय भारत।